हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल. स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश रीड बुक का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, बॉब एंड द बाथटब, पेज नंबर 39 to 48. ओके, सो कम विद मी ऑन चैप्टर 4. देखिए स्टूडेंट्स, जो ये है आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर फोर है बॉब एंड द बाथटब. तो जो बॉब है वो एक छोटा बच्चा है, उसे जो है उसके लिए एक बाथटब है और उसे बाथटब में नहाना बहुत ही अच्छा लगता है या खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पानी में खेलना या नहाना जो है सभी को अच्छा लगता है, और छोटे बच्चे होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा होता है, पसंद होता है काफ़ी. तो पानी से खेलना या कुछ पानी से ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करना, तो ये जो है सभी बच्चे जो है पसंद होता है बच्चों को. तो आइए हम चैप्टर में देखते हैं क्या है. इसमें एक छोटा बच्चा है और उसको दिखाया गया है कि जो छोटा बच्चा है वो, उसका नाम बॉब है और वो बाथटब में क्या करता है. तो चलिए देखते हैं, लेट अस स्टार्ट. देखिए, माई लिटिल ब्रदर बॉब इज 3 years old. अब एक यहाँ पर जो है बताया गया है कि छोटा मेरा भाई है उसका नाम बॉब है, इज 3 years old, वो 3 साल का है. ही लव्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग, और वो हर चीज़ से प्यार करता है और हर किसी से प्यार करता है, हर सभी से वो प्यार करता है. बट वट ही लाइक्स बेस्ट इज द बाथटब, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसको चीज़ पसंद है, सबसे ज़्यादा जो उसको अच्छा लगता है वो है बाथटब. कि बाथरूम उसको बहुत ज़्यादा पसंद है. बॉब डज नॉट केयर इफ द बाथरूम इज फुल और एम्प्टी, कि बॉब को जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि जो बाथटब है वो फुल है या एम्प्टी, यानी पानी से भरा हुआ है या फिर खाली है. एम्प्टी होता है खाली, तो सो इसको जो है इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो खाली है या भरा हुआ. एवरी मॉर्निंग मॉम गिव्स बॉब अ बाथ, कि हर रोज़ सुबह जो है जो मॉम है यानी मम्मी है वो उसको एक बात देती है यानी नहलाती है बॉब को. बॉब लाइक्स स्टेइंग इन द बाथटब, और जो बॉब है वो उसको पसंद है बाथटब में ही रहना, उसको काफ़ी पसंद है. ही डजेंट वांट टू कम आउट, उसको बाहर आना बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो उसको बाहर आना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उसके अंदर ही रहना चाहता है, वह बाहर नहीं आना चाहता. मॉम हैज़ टू पुल हिम आउट ऑफ द टब, कि जो मॉम है मम्मी है वो उसको जो टब है उसके अंदर से बाहर उसको खींचती है. पुल होता है खींचना, पुल होता है खींचना, तो उसको बाहर खींचती है. बॉब स्टार्ट्स क्राइंग, और जो बॉब होता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है या रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी मम्मी उसको बाहर निकाल लेती है लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहता, तो उसकी जो तो वो क्या करता है कि रोना स्टार्ट कर देता है. बॉब यू हैव बीन इन द टब फॉर एन आवर, सेज मॉम. अब जो उसकी मम्मी हो कहती है कि बॉब, जब वो रोता है तो उसकी मम्मी उसको समझाती है कि तुम काफ़ी देर से जो है काफ़ी मतलब एक घंटे से तुम इसके अंदर हो, टब के अंदर. नाउ पुट ऑन योर क्लोथ्स, कि आप अपने कपड़े पहनो. एंड ड्रिंक योर मिल्क, और अपना दूध पी लो. ड्रिंक होता है पीना. नो नो, नहीं नहीं, क्राइज बॉब, बॉब चिल्लाता है. नो क्लोथ्स, नहीं कपड़े नहीं, और नो मिल्क, और दूध भी नहीं. आई वाना स्टे हेयर, वाना होता है चाहना, वॉन्ट या वाना होता है चाहना, कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ यानी टब में ही रहना चाहता हूँ. इफ़ द टब इज़ एम्प्टी, कि अगर टब खाली होता है तो बॉब थ्रोज हिज टॉयज इनटू द टब. थ्रो होता है फेंकना या डालना, तो जो बॉब होता है अगर जो टब है बाथटब है अगर वो खाली है, एम्प्टी खाली होता है, खाली है, तो जो बॉब होता है वो अपने सारे टॉयज जो है टब में फेंक देता है या डाल देता है. देन ही क्लाइम्स इन, और तब वो उसके अंदर चढ़ जाता है. एंड स्टार्ट्स प्लेइंग विद देम, और उनके साथ खेलना शुरू कर देता है. ही प्लेज अनटिल वी मेक हिम गेट आउट, और जब तक वहाँ खेलता है तब तक कि उसको कोई बाहर हम उसको वहाँ से बाहर नहीं निकाल लेते हैं, तब तक वो उसी में खेलता रहता है. सो वी हैव टू कीप द बाथरूम डोर शट, शट होता है बंद करना, शट होता है बंद करना. तो सो वी हैव टू कीप द बाथरूम डोर शट, और इसलिए जो है हम जो बाथरूम का जो दरवाज़ा है उसको हमेशा बंद करके रखते हैं, क्योंकि वो फिर वहाँ पर चला जाता है इसलिए.
यस्टरडे बॉब गेव मी अ बिग शॉक, और कल जो है बॉब ने मुझे एक बहुत बड़ा शॉक दिया, यानी काफ़ी सरप्राइज दिया। आई फिल्ड द टब विद वाटर एंड बबल बाथ, कि मैंने जो टब था उसको पानी से भर लिया, एंड बबल बाथ, और बुलबुलों के साथ, मतलब वहाँ पर उसके अंदर बुल जो शरफ के पानी के अंदर जो कोई लिक्विड ऐड करते हैं, पाउडर या सरफ जो ऐड करते हैं, तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारे बबल्स हो जाते हैं। तो वो बाथ लेने के लिए जो है उसने उसमें पानी फिल कर दिया। बिफोर आई गॉट इन टू द टब, और मेरे वहाँ पर जाने से पहले, टब के अंदर जाने से पहले ही जो टेलीफोन रैंग, जो टेलीफोन था वो बजना शुरू हो गया। आई शट द बाथरूम डोर, कि मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया, एंड वेंट टू पिक अप द फोन, और फ़ोन को उठाने के लिए मैं चला गया। अ मिनट लेटर, और एक मिनट के बाद, व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, द बाथरूम डोर वॉज ओपन, जो बाथरूम का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था, ओपन होता है खुला होना। बॉब वॉज इन द टब विद ऑल हिज क्लोथ्स ऑन, जो बॉब था वो टब के अंदर था और अपनी सभी कपड़ों के साथ ही वो उसके अंदर था, उसने कपड़े नहीं उतारे थे, कपड़ों के साथ ही वो टब में था। ही वॉज कवर्ड विद बबल्स, और वो पूरा का पूरा जो बबल्स थे, बुलबुले थे, उनसे कवर हो चुका था, यानी सारे उसके शरीर पर बबल्स थे। एंड ही वॉज नॉट अलोन, और वो वहाँ पर अकेला नहीं था। मैक आवर लिटिल डॉग, जो उनका एक जो डॉग है, छोटा कुत्ता है, मैक उसका नाम है कुत्ते का, वॉज विद हिम इन द टब, वह भी उसके साथ टब के अंदर ही था, कि वो अकेला नहीं था उसके साथ। यहाँ पर देखिए पिक में भी दिखा रखा है कि वहाँ पर अकेला नहीं है, साथ में बॉब के साथ जो है एक छोटा डॉग है, मैक भी है, और वो दोनों ही जो है, ये देखिए यहाँ पर कितने सारे बबल्स हैं, और वो जो है उसके साथ कपड़ों के साथ ही उसके अंदर बैठा हुआ था, और वहाँ पर दोनों नहा रहे थे या खेल रहा था। बॉब व्हाट आर यू डूइंग, कि बॉब तुम क्या, यह तुम क्या कर रहे हो। आई क्राइड, में चिल्लाया, आई एम गिविंग मैक अ बाथ, अब जो है वो बॉब था उसने कहा कि मैं तो जो मैं उसको नहला रहा हूँ, उसको बात दे रहा हूँ। ही सैड, उसने कहा, आई यैंक्ड बॉब एंड मैक आउट ऑफ द टब एंड कॉल्ड माई मदर, अब जो है यैंक्ड होता है स्टूडेंट्स कि धक्के से या झटके से उसको खींचना, एकदम से जैसे गुस्से में था वो, तो उसने झटके से जो है उसको बाहर खींचा, बॉब को एंड मैक को आउट ऑफ द टब, टब से बाहर खींचा, एंड कॉल्ड माई मदर, और मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई या बुलाया। मदर ड्राइड देम ऑफ, और जो मम्मी थी उसने उसको, मतलब दोनों को ही, मतलब सुखाया तौलिए से या टावल से, मतलब उसको पोंछा। देन सी आस्क्ड बॉब, और तब उसने, उसकी मम्मी ने उससे पूछा, हाउ डिड यू गेट इन टू द बाथरूम, कि तुम बाथरूम के अंदर कैसे आए। बॉब रिच्ड अप ऑन हिज टोज, यानी मतलब जो बॉब था वो छोटे छोटे जिसके पैर थे, घुटने थे, उनसे वहाँ पर वो आया, एंड टर्न द डोर नॉब, जो बॉब था वो वहाँ पर पहुँचा था अपने पंजों से, एंड टर्न द डोर नॉब, और उसने जो है डोर नॉब को घुमाया, जो हैंडल था उसका घुमाया। आई एम अ बिग बॉय, अब जो बॉब है वो कहता है आई एम अ बिग बॉय, कि मैं एक बहुत बड़ा बच्चा हूँ। ही सैड, उसने कहा विद अ हैप्पी स्माइल, और एक अच्छी स्माइल के साथ उसने कहा कि मैं बड़ा बन गया हूँ। लास्ट नाइट, और पिछली रात को, डैड लॉक्ड द बाथरूम डोर, लोगों तक बंद करना, कि पापा ने जो है बाथरूम का जो दरवाज़ा है उसको बंद कर दिया, लॉक कर दिया। ही पुट द की, और चाबी को ऐसी जगह पर रख दिया, वेयर बॉब कांट रीच इट, कि जहाँ पर जो है बॉब नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर उसको रख दिया, क्योंकि वो फिर से अंदर बाथरूम के ना चला जाए, जैसे कि पिछली बार गया था या हर बार चला जाता है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ पिक्स दे रखी हैं, यहाँ पर इनको सीरीज से आपको नंबरिंग डालनी है, कि चैप्टर के अंदर जो है फर्स्ट टाइम फर्स्ट पे क्या हुआ था, सेकंड पे जो है क्या है, थर्ड पे क्या है, कौन सी पिक कहाँ पर हमें ऐड करनी है पिक्चर के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो उन्हें आप यहाँ पर सीरीज खुद से डालेंगे। ओके, ये अपने आप से करेंगे आप स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, और आप अपना चैप्टर को अच्छे से वीडियो में देख कर समझिए, और जो PDF से फिर आप अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए, एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए अपनी बुक में। ओके स्टूडेंट्स।